नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये है जल संग्रहण की एक अद्भुत मिसाल, जोधपुर का तूर जी का झालरा। वीडियो में देखें दोस्तों पूरी जानकारी। आपको बता दूं कि राज परिवार की महिलाओं ने सार्वजनिक जलाशय बनवाने की बरसों पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये झालरा बनवाया था और आज देसी विदेशी पर्यटक इसकी जल प्रणाली और कलात्मा को देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जोधपुर की महारानी तंवर ने सन 1740 में झालरा बनवाया था। इसे जोधपुर के घाटू लाल पत्थर को तराश कर बनवाया गया था। और दोस्तों, इस बावड़ी या झालरा में आप आकर्षक नृत्य करते हुए हाथियों की महीन लुभावनी नक्काशी देख सकते हैं। पानी के मध्यकालीन शेर भी आप यहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये केवल एक जल स्रोत ही नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ वर्ष पहले कुछ नफरती लोगों ने इस बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसमें बहुत कूड़ा करकट और मिट्टी डाल दी गई थी, लेकिन कुछ ही वर्ष पहले वापस से इसकी मिट्टी और सब कुछ जो गंदगी है वो हटाई गई और अब इसकी सीढ़ियाँ और ये सब आप वापस से देख सकते हैं, जो पहले बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। और यहाँ पर कुछ अतिक्रमण भी हो चुके हैं, पर आज की डेट में ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। यदि आप जोधपुर जाएं तो तूर जी का झालरा ज़रूर देखें दोस्तों, आपको बहुत आनंद मिलेगा। इसके आसपास बहुत सी हेरिटेज बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे होम स्टेज़ हैं, बहुत सारे होटल्स भी हैं। तो जोधपुर में जब भी आप जाएँ दोस्तों, तो तूर जी की बावड़ी, तूर जी का झालरा ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you.